सो 2022 दीआं चोणां दा चोण अखाड़ा पूरी तरीके दे नाल भखिया होया है, पर कांग्रेस दे विच बगावती सुर उठने शुरू हो गए ने। कांग्रेस दे विच जो कई वड्डे चेहरे सन ओह सीट ना मिलण करके निराश दिखाई दे रहे ने ते बागी हो गए ने। जेकर असीं कल दी गल करिए तां सतविंदर बिट्टी वल्लों अपना गुस्सा जाहिर कीता गया सी कि लंबे समें तों ओह पार्टी दे नाल जुड़े हुए हन, लोकां दी सेवा कर रहे ने, ते फिर भी पार्टी वल्लों उहनां दी टिकट कट ली गई है ते बिब्बा पठल दे जवाई नूं पार्टी ने टिकट दित्ती है। इस तों बाद हुण जगमोहन सिंह कंग जो ने उहनां दे बागी सुर दिखाई दे रहे ने। इसे नाल ही वी जानकारी दे दईए कि जसवीर सिंह डिंपा वल्लों वी इक ट्वीट कीता गया सी जिस दे विच इह जाहिर होया सी कि किस तरीके दे नाल उहनां वल्लों जो गुस्सा जाहिर कीता जांदा है क्योंकि टिकटां कट्टियां जा रही ने, उन्हां दीआं टिकटां कट्टियां जा रही ने, जो चेहरे वड्डे चेहरे कह सकते हैं अपने आप दे विच ते जिन्हां नूं लोक पसंद भी कर रहे ने। हुण जगमोहन सिंह कंग दे बागी सुर नजर आ रहे ने ते जगमोहन सिंह कंग ने सिद्धे सिद्धे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते हमला बोलिया है ते चन्नी दे खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे इलाके दे विच खड़े होणगे ते उन्हां नूं जो है इस इन्हां दे विच हराउणगे। उन्हां दा कहना है कि उन्हां दे चोण वाले उन्हां ते इह मतलब उन्हां नूं कह रहे आ कि उह आजाद हो के अपनी चोण लड़न। सो जगमोहन सिंह कंग वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिस दे विच उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। होर की कहना है उन्हां दा, तुसीं वी सुणो। बड़े दुखी दिल दे नाल, भरे होए दिल दे नाल के जो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब ने विजिबली मेरी टिकट कटाई है, हालांकि श्रीमती सोनिया गांधी प्रधान कुल हिंद कांग्रेस ते सारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मेरे नाल सी, मैनू आशीर्वाद सी। जो मैनू पता लगे प्रोफेसर सूत्रां तों, पर चन्नी ने पहला कहा भी कांग्रेस पर चन्नी ने पहला कहा भी कंग जित नहीं सकता इतों। फिर देखिया कि सारे सर्वे हुए हैं, जगमोहन सिंह कंग सब तो अगे आ पार्टियां जित रहे हैं। फिर उन्हें पैंतरा बदलिया कि हिंदू सीट है, इतने हिंदू कैंडिडेट चाहिए खड़ दे विच, खड़ 52 उत्थे कह के मैं हाईकमान नूं जानकारी दित्ती कि पिछले 50 साल तो जट सिख जिद्दां आ रहे है, 50 साल तो जट सिख रिकॉर्ड दी गल है। और चन्नी ने ऐसी साजिश कीती, कॉन्फ्रेंसी कीती मुख्यमंत्री पंजाब ने, बनाए नूं जोड़न वास्ते सी पंजाब ने तोड़ रहा है, एक खेरू खेरू कांग्रेस पार्टी नूं कर रहा है। फिर चन्नी ने दो नाम रखे, श्री ताराचंद गुप्ता ते साडे दूजे वकील साहब, लेकिन उन्हां दोहां चो नटराजन जी उन्हां चो कोई भी नहीं चक्किया इहने, वो चकमा सी जिहड़ी लास्ट मीटिंग सी सीधी होई, चन्नी स्किप कर गया, उत्थे नहीं गया क्योंकि उन्हें पता सी कि सीसी कमेटी जिसे मनो डॉक्टर मनोज सिंह वर्गे मैंबर हैं, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, मोहसना कदवई, सुनील जाखड़, नवजोत सिद्धू साढ़े प्रधान मानयोग भी सारे कंग के हक विच ने, मेरी चलनी नहीं। ये उत्थे नहीं गया, इन्हें हरीश चौधरी जो साढ़े इंचार्ज ने पंजाब अठी सठी करके जो सोनिया गांधी जी ने कहा कि वही नो कंग इज आउट ऑफ अवर टीम, वन ऑफ सीनियर मोस्ट लीडर इन पंजाब, वी मस्ट केयर हिम, वी मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, उन्हें मन लग दे के कहता कि जी चन्नी का इलाका है, चन्नी उत्थे रहिंदा घर खड़ च, उहदे कोई ऑब्जरवेशन है, रिजर्वेशन है, कुछ कहना चाहता है कि उनसे बात कर लो, कोई बात नहीं। हरीश चौधरी लग्या भी कंग की टिकट क्लीयर होगी, इसने मिली भुगत करके बाद चो रब जाने की करके मीटिंग खत्म हो गई, कुछ अपने पद्धर से टिकट अनाउंस करवाती मेरे खिलाफ। इस बार मैं राहुल गांधी सोचते ते नौजवान पीढ़ी नूं अगे लियाउण वास्ते
मेरे नाल बैठा मेरा बेटा यादविंदर सिंह कंग मैंबर जिला परिषद इस इलाके जितया हुआ 4000 वोट नाल। इस वास्ते मैं टिकट मंगी सी अज की भी मैं 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं बहुत कुछ देख लिया देयर शुड बी सेल्फ कंटेंटमेंट लेट अस आस न्यू जनरेशन टू कम फॉरवर्ड। पर मेरी टिकट कटी गई मैनू बड़ा दुख है अज मैं स्वर्गीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह याद आ रहे ने बेंत सिंह जी याद आ रहे ने ज्ञान सिंह जी ने ज्ञानी जी ने मेरा बूटा लाया मैं जो प्रधान सी पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कौंसल का 74 दे विच जे प्राशर जी बैठे हैं हरकमल जी जी बैठे हैं तो जानते हो गए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की 47 साल हो गए मैं मुड़ के पिछे नहीं देखा टिकट मिली सी मैं 1980 किसी तरीके रह गई 12 साल मैं फिर वेट की टिकट मिली 92 1992 तो लैके अज तक मैं इस इलाके की सेवा करता 30 साल हो गए। पहला हलका मोरिंडा सी जो चरणजीत सिंह चन्नी ते चमकौर साहब हुण पैंदा है उत्थे मैं कांग्रेस पार्टी पैदा की खून पसीने नाल मेहनत करके दुख सुख सहन करके उत्थे भी कदे कांग्रेस पार्टी जीती नहीं 47 तो बाद। मैं एक गल कहनी चाहना हूं हाई कमांड से मैनू कोई शिकवा गला नहीं दुख है एक घनौनी साजिश करके चरणजीत सिंह चन्नी हरीश चौधर मिलकर मिसलीड करके टिकट मेरी कटाई है। मैं हाई कमांड को अपील करदा अखबार पढ़ते हैं मीडिया देखते हैं बहुत सारिया होर टिकटां पंजाब च ऐसी मेरे साथी मैं फोन आ रहे हैं कंग साहब आओ कट्ठे हो गए ये करिए वह करिए टिकट अनाउंस होने तो बाद मैनू आप पार्टी यानी झाड़ू वाले बीजेपी होर पार्टियां संपर्क कर रही ने कि साढ़े वाल आओ ज्वाइन करो थोड़ा बड़ा पोटेंशियल है इस इलाके विच वी नो योर बैकग्राउंड योर विनिंग कैंडिडेट। पर मैं अजे डबल माइंडेड हाँ क्यों हाँ हाई कमांड नूं मैं कहना चाहना मीडिया राही जे मेरी 47 साल की सर्विस नूं देख के लॉयल्टी डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ पार्टी देख के हाई कमांड टिकट बदल दी है रिव्यू कर दी है तो सोचांगा नहीं मैं डंके की चोट से इलेक्शन लड़ांगा मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा यादविंदर सिंह कंग आजाद आजाद साडिया पार्टियां गल्लां मैंने मेरे मगर पईयां होई हैं क्योंकि मैनू याद है वाजपेई जी वेले कैंपी वेले सरकार टुट गई है बन गई सी साडे वल कंग साहब आओ नहीं छोड़ो बेनती मैं गल कर लूं और मैं आजाद लड़ांगा जे हाई कोर्ट ने रिव्यू ना किया मैं उन्हां नूं थ्रेट नहीं कर रहा अपील कर रहा कि जे हाई कमांड ने फैसला ना रिव्यू किया तो सारे कांग्रेस पार्टी तो पहले ही भजन तैयार बैठे हैं ये पुरानी पार्टी नहीं रही नहरू साहब वाले की इंदिरा गांधी राजीव गांधी वेले सोनिया गांधी वेले की यह पार्टी कुछ होर बनती जा रही है। मैं बेनती करनी चाहना कि पार्टी के हित में मेरे सारे कल साथी इकट्ठे हजारों लोग होए मैनू मजबूर कर रहे हैं भी कंग साहब आप इलेक्शन लड़ना आजाद मैं कहा बिल्कुल जो कहोगे मैं उही करांगा इत्थे ही नहीं जे मैं आजाद इलेक्शन लड़िया मेरा बेटा आजाद कंग इलेक्शन लड़िया तो मैं चन्नी के इलाके जाके कुर्सी पिछे करनी कुर्सी चन्नी इलाके जाके पल्ला अड्डांगा भी लोगो इनू हराओ चन्नी नू जो ईडी रेड होया 10 करोड़ का लोगो हराओ तुसी मैनू मोरिंडे जिताया मिनिस्टर बनाया बेंत सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी ने इन्हें मेरी फट्टी पोची है तो पुत की फट्टी हम मैं पोचनी है किवें पोचनी है समा दसेगा 2 दिन रह गए जी इन्नी मेरी आत्मा दुखी है देखो देखने की गल यह है मैं हूँ भी घरों उठ के आया सैकड़े बंदे बैठे हैं कि फैसला सुनाओ पर मेरे शुरू तो थोड़ी जी पेशेंस है गुस्सा मैनू बहुत ज्यादा है और मैं प्रेस लिए थोड़ी वंडनी है हमने जो चिट्ठी लिखी मैं सोनिया गांधी जी को सब गलों में लिखिया हुई इन्हें टिकट दवाई है कि शराब के ठेकेदार विजय कुमार टिंकू मैं मोरिंडे MLA रहा 2 बार चमकौर साहब हल्के का शराब का नामी ठेकेदार वो फाइनेंसर है हिस्सा पत्ती नाल करता है सब काम दे
12 तो 17 मैं इतने MLA बनिया खड़ दे ही कुड नॉट स्वेलो कि कंग किवें आ गया मेरी टोका टक करेगा मैं 104 पैसे कमाने कमेटी विचो। इस करके मैं कहना चाहना कि चन्नी जी हुण तुसीं मैनूं 21 पाए मैं 31 मोड़ांगा समां दसेगा। कल जे 2000 बंदा शामी इकट्ठा होया तो 100 बंदा मोरिंडे दा विच आया वी कंग साहब जो टिंकू टिकट दित्ती है ये पापी है पहला अकालिया ना बडाली ना रहा होर साथियों ना रहा हुण इहने फिर छुरा पिट च मारे चन्नी थोड़ी पिट दे विच असीं थोड़े नाल खड़े। इस करके मैं हाईकमान नूं अपील करदा रिव्यू करे सोचे मेरी तपस्या 47 साल की ना रोले नहीं तो मजबूर होकर इंडिपेंडेंस लड़ांगे और जितांगे और मैं सारे पंजाब में जावांगा पंडी पिटांगा चन्नी दी जो मैं लिखा सारा कुछ पढ़ के मैं मेरे देखी आउंदी है तो तुसी फिर भी जाओगे चन्नी जी दे खिलाफ अगर टिकट चेंज हो जांदी। देखो फिर तो समझ नहीं जो मसला है जे मसला खत्म हो जांदा है देन जे मसला खत्म हो जांदा है कि मैं क्या क्योंकि मैं जे हरली को स्टेप लेना हुंदा हिस्ट्री लेना हुंदा मैं ले लूंगा पर मेरे साथी मैनूं बहुत दुखी कर रहे हैं। देखो करप्शन के खिलाफ तो मैं नहीं कहता सारी दुनिया कहती है तो जग जहर हो जाना वो तो दुनिया सारी कहती है साढ़े कांग्रसी भी कहें वो घबराया होया बुखलाया होया वो कोई शक नहीं है लेकिन मैं तुम दसिया कि जो 47 साल की मेरी तपस्या है मैं चाहता नहीं कि मैं ऐसा स्टैप लवा पर अज मैं थोनू तकलीफ दी है तुम इतने आए हो। मैं सोनिया गांधी राहुल गांधी जी कहना चाहना कि जो तुमने मिसलीड किया तुम पंजाब को बचा लो सारे सीटा से जिते इंटरव्यू होने वाला है करो मैं बहुत सारे फोन आ रहे हैं। इस करके मैं बेटे नूं कहांगा जुड़ वास्ते तुहाडे नाल गल करेगा इहदे अपने बहुत घट चांस हुंदे ने पार्टियां रिव्यू करदियां ने टिकटां असीं इह मन के चलीए 100% की जे रिव्यू नहीं हुंदा है ते यादविंदर होनी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़नगे या संडे तक तुहानूं मना लेणगी पार्टी कितना ना कितना। देखो पार्टी बिल्कुल इलेक्शन लड़ांगे जी अपनी संगतां दे आशीर्वाद नाल इलेक्शन गड के लड़ांगे खरड विधान सभा तों लड़ांगे उहदे नाल नाल चमकौर सभा विधान सभा जो कि साडा पुराना मोरिंडा हलका हुंदा सी उत्थे भी पिंड पिंड जाके असीं गल करांगे अपील करांगे नाले मुख्यमंत्री चन्नी दी करतूतां दसांगे गल्लां दसांगे। राघव चड्ढा तुहानूं मिलिया सर कल राघव चड्ढा दे नाल कोई बैठक दा कोई निचोड़ नहीं? देखो मैनूं सारी पार्टी नुमाइंदे मिल रहे हैं बहुत सीनियर नुमाइंदे बहुत सीनियर वो गल्लां नहीं मैं दस सकदा इत्थे पर एक गल देखो ना मेरे कोल आ रहे हैं कोई मेरे दिखदा उहनूं पोटेंशियल तां ही आ रहे हैं ना। आई एम नॉट ऑर्डिनरी कांग्रेस वर्कर लीडर 3 टाइम मिनिस्टर मैंबर AICC सिंस 2000 यही तो दुख है मैनू इस कमीने आदमी ने मुख्यमंत्री ने जो मेरे नाल कीता 31 नहीं हुंदा मोड़ा 31 ठोक के कोई निजी रंजिश कंग साहब चरणजीत नाल क्योंकि तुहाडी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जर्नल है ये भी नहीं कि उन्हें कोई ऐसी भाई चढ़दा खड़ा करना होना ता भी कह सकते आपस हो सकते निजी रंजिश सुन लो निजी रंजिश कंग साहब नू ता कोई नहीं जी है उन्हां नू होएगी उन्हां नू होएगी उन्हां नू पता होएगा जिन्हां ने टिकट कटाई है। मैं दसदा विजय शर्मा की गल की है विजय शर्मा नू कोई नहीं जानता सी जब तक वह मोहाली योजना बोर्ड का चेयरमैन नहीं सीगा उदी अपराधिक बैकग्राउंड सी और सीधा उस टाइम मामला उठया सी कि कंग दा इहदे सिर ते हत्थ है तां ही इह चेयरमैन लग्गिया। तुसीं कल वी कहा कि सी तुसीं उहनूं लाइमलाइट च लियांदा सी तुसीं कल वी कहा कि उहनां दे बिजनेस इंटरस्ट गया चरणजीत चन्नी दे बिजनेस इंटरस्ट है विजय कुमार नूं लेके क्या बिजनेस इंटरस्ट हो हैगे जिहड़े तुहानूं पता है ओ टाइम आण ते तुहानूं सारे डिस्क्लोज़ करदा ने जी बिजनेस इंटरस्ट थोड़ा सवाल मैनूं जवाब दे दो जो मेरे नाल खुंदक है पेंडू गल करन लगे हैं आटा गुन दी क्यों हिलदी है चन्नी रहे इत्थे म्युनिसिपल कौंसलर खरड़ दा प्रधान ओहदे मूंह नूं लहू लग्गिया होया है पहला पिंड पवाणे कमेटी विच जमीनां खरीदियां सस्तियां फिर तीकड़ चुकड़ रेट ते बेचणियां ओह चाहुंदा है कि मेरा कमेटी ते कब्जा रहे इत्थे कोई 20 MLA आ जावे कंग हट जाए कंग ना ईमानदार काम करदा ना करप्शन करदा ना करन दिंदा ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਗ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਲੋਟਲੈਸ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾ ਮੈਂ ਭਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ DC ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬੂਥ 'ਤੇ ਮਤ ਬੈਠੀਏ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸਗਾ ਬਣਾ ਖੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮਸਲ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਖਰੜ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਿਟਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸਾ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੀ ਟੂ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭਤਾ ਮੇਰੀ ਸਤਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾੜਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਬੂਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀ ਆਈ ਐਸ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੰਨੀ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਲਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ जिन्ने साडे चेहरे मुख्यमंत्री हाईकमान पेश कर रही है सुनील जाखड़ होया मेरा छोटा भरा बहुत काबिल है खानदानी आदमी है नवजोत सिद्धू है सारा हिंदुस्तान चाहता है उसनू इन्ना अच्छा बुला रहा है उन्हें हमेशा त्याग की भावना रखी है कई कुर्सियां छड़ के लत मार के आ गया चन्नी है वह तो प्रतख को प्रमाण की लोड़ ही नहीं है लग गया लोगों को पता सानू बड़ी खुशी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़िया दलित मुख्यमंत्री बनाया है पर अज उन्हें बेड़ा गर्क करता बदला खोरी का चरणजीत सिंह देखो जे तो कुआरी होंगी है जे कल की कहा जे कुछ हो जाए जे की हो जाए मेरा एक सवाल है कि तुम क्या कि मीटू तुम क्या कि चन्नी प्रॉपर्टी का कारोबार करता है रेत खनन वाले मामले में 10 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है भाजपा के ठीक है ना चन्नी ने सारे रिकॉर्ड देख के भी कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने सीएम बनाया नहीं मानते हो कि कांग्रेस पार्टी की भी एक गलती है इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा आपको हालात ने बनाया हालात ने जब हमारे 2-3 मुख्यमंत्री बनने वाले थे नाम नहीं लूंगा प्रत्याशी आई मीन कंटेंडर थे उनकी आपस में बहस हो गई नहीं तो इसका दाव लग गया क्यों डेस्टिनी ग्रेट दाल लग गया हाईकमांड ने नहीं बनाया हाईकमांड मजदूर फंस गए हम क्या करें वो तो हमने पत्ते खेल लिए दलित 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 दल बेड़ा करके पंजाब का करने आए दलित भाई हमारे रीढ़ की हड्डी है मैंने सब दलितों को आदर मानसर दिया मोरिंडा में और खरड़ में देता रहूंगा देखो मैं बेनती करा मैं वैसे बहुत घट बोलता हूं पर मेरा दिल इना दुखिया ज्यादा बोल रहा है कुछ माफ करना अफसोस यह है कलयुग जा रहे अपॉर्चुनिज्म हर बंदा अपना देखता है कि मेरा कल सूत किधर आना है कोई पार्टी नहीं कोई कुछ नहीं कोई नैशनैलिटी नहीं इस करके की करिए हालात ऐसे बन चुके पर मैं 74 साल उस सेवा की है मैनू कांग्रेस का बच्चा जानदा है पहला मैं हरचरण सिंह बराड़ मुख्यमंत्री हटाया सी अगे लग के मैं लीडिंग मैंबर सी बराड़ साहब ने मेरे से केस बनाता मैं परवाना जी का फोन आया परवाना जी सीनियर पत्रकार पिस्तकार हो कहते कांग्रेस साहब की प्रेस रिलीज भेजी है मैं हाँ भेजी है कहते वापस ले लो मैं क्यों थोड़ी पार्टी कट देगा बराड़ मैं क्या पार्टी तुम ला दौ कल सारे अखबार छप रही है मैं पार्टी कटता उन्हें CLP चो सस्पेंड करता मैं बहाल होकर आ गया हफ्ते च दिल्ली मेरी गलबात सी पर जिम्मे हूँ मेरी पूरी गलबात है ये तो यह चन्नी का बेड़ा गर्क होया और कोई गल नहीं हुई देखो ईडी रेट बारे मैं कुछ नहीं कहना चाहता ईडी कुछ जो समेल ता ही उ गया ईडी होर पास चली गई जाके ये गल सची है वैसे
ਇਹ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇਪੀ ਉਹ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਖਰੜ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੈ ਉਤਾਰਨੇ ਚੜ੍ਹਾਨੇ ਕੇ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਕੇ, ਇਹ ਜੋ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਂ ਆਦਮੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਟਿੰਕੂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰਸਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੇ, ਪਰਸਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਓ, ਹਰੀਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਾਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਟਰਾਜ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ, ਖਿਲਾਫ ਠੇਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਟਿੰਕੂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਰੜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਖੜ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਾਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਏਰੀਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਠਾ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵਾਂ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਉਹੀ ਨਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਰਤੂਤੀ ਬੜੀ ਠਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹਨੀ ਹਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਚੰਨੀ ਨੀ ਹਨੀ, ਹਾਂ ਹਨੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ, ਹਨੀ ਮਨੀ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚੰਨੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਿਰਿਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਚੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਨੀ ਕੁ। ਦੇਖੋ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਦ ਕਦ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਟੋਟਲ ਚੰਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਫੂਕ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਭ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਾਡੇ 2-3 ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ,
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੁੱਟ ਭਲਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਛੁੱਟ ਭਲਾਈ